हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्म मुंजा के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। बिना किसी बड़े सितारे वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की सफलता की कहानी। 7 जून 2024 को रिलीज हुई मुंजा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। खास बात यह है कि इस फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं है। मुख्य किरदार निभा रहे हैं अभय वर्मा, जिन्हें आप द फैमिली मैन वेब सीरीज से जानते होंगे। उनके साथ शर्वरी वाघ भी मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स ने किया है। अब बात करते हैं इस फिल्म की सफलता की। मुंजा ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्में जिनमें बड़े सितारे नहीं होते उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मुंजा ने यह कर दिखाया है। लोग इसकी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, मुंजा की राह इतनी आसान नहीं थी। इसकी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कल की 2898 एडी और चंदू चैंपियन जैसी बड़ी फिल्मों से हो रही थी, लेकिन फिर भी मुंजा ने अपनी अलग पहचान बनाई और दर्शकों को अपनी कहानी से बांधे रखा। यह फिल्म हर दिन अच्छे कलेक्शन कर रही है, जिससे इसकी कमाई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। फिल्म में अभय वर्मा और शर्वरी वाघ की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। इन दोनों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और दर्शकों का दिल जीत लिया है। इनके अलावा फिल्म में कई और सहायक कलाकार भी हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म को और भी मजेदार बना दिया है। अब बात करते हैं आगे की। मुंजा की सफलता ने मैडॉक फिल्म्स को और भी उत्साहित कर दिया है। उन्होंने पहले स्त्री जैसी सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई थी और अब मुंजा की सफलता के बाद सबकी नजरें स्त्री 2 पर टिकी हैं। स्त्री 2 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी मुंजा की, जिसने बिना किसी बड़े सितारे के भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप किस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।